अभी तक हमने वीडियो एडिटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमने कुछ प्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स भी देखे, हमने थोड़ा सा प्री प्रोडक्शन भी जिक्र किया, हमने प्रोडक्शन की भी बात की, पोस्ट प्रोडक्शन की भी बात की, और हमने साथ साथ इसमें जिस तरह कलर ग्रेडिंग, साउंड डिज़ाइन वगैरह जैसी चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट की जो टिपिकल एडिटिंग नहीं थी लेकिन समहाउ किसी तरह उससे रिलेट करती थी। अभी तक आपने जितनी प्रैक्टिस की, मुझे उम्मीद है कि सारे टूल्स को सीखते हुए, सारी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते हुए आप अब एक ऐसा इस स्टेज पर होंगे कि आप एक फाइनल प्रोजेक्ट बना सकते हो, या इस तरह का हो कि एक बिल्कुल स्क्रैच से लेके आपके पास एक नैरेटिव, एक स्ट्रक्चर आपके पास टाइमलाइन पे बन सकता हो। मैं सिर्फ आपको इस लेक्चर में कुछ चीज़ें जो बताना चाहता हूँ वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके पास आपके वर्क फ्लो में आपको हेल्पफुल रहेंगे, और आप साथ साथ ये देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू आप डिफरेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वही है, टूल वही है। अगर आपके पास एक फिल्म की जगह ड्रामा एडिट करने को आता है, या फिर ड्रामे की जगह म्यूजिक वीडियो आता है, कोई डॉक्यूमेंट्री आती है, तो उनको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैं मेजरली इसको दो चीज़ों में डिवाइड करूंगा जो कि नॉर्मली ऐसा ही होता है, एक फिक्शन और दूसरा नॉन फिक्शन। फिक्शन में आपके पास फिल्म, ड्रामा, टीवी सीरीज वगैरह, और नॉन फिक्शन में आपके पास जो रियलिटी के पास पास, जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती हैं, जिसमें आपके पास आम जिंदगी की रूटीन की चीज़ें हो सकती हैं, वो आपकी नॉन फिक्शन में फॉल करती हैं। मुझे अभी भी ये लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम होता है आपके पास फिक्शन के प्रोजेक्ट्स में, जिसमें आपके पास चीज़ें स्टेज की होती हैं, प्री प्लान्ड होती हैं, आपको उसी हिसाब से डायलॉग बोलना होता है जो आपने, जो राइटर ने लिखा है या जिस तरह से उसका स्क्रिप्ट है। और कंपैरेटिवली नॉन फिक्शन में अगर डॉक्यूमेंट्री है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसमें उसको स्टेज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप एक वाइल्ड लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और आपने अक्सर नेट जियो पे देखा होगा कि अगर एक शेर है वो अपने शिकार का वेट कर रहा है, फिर वो जाके उस पर चपकता है, जाके शिकार करता है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब मेरे से शॉट मिस हो गया है, तो आप उसको दोबारा से वो चीज़ करवा लें, रीएनेक्ट करवा लें या स्टेज करा लें। तो वो आपके पास रियल टाइम में एक चीज़ हो गई है, वो नॉन फिक्शन में है, आपने उसको उसी तरीके से कैप्चर करना है जिस तरह से वो है। और अगर आपसे सही तरीके से प्रोडक्शन में कैप्चर नहीं हो सका, आपने एडिट पे उसको स्मार्टली यूज़ करना है। तो यही मेरा पॉइंट था कि डिफरेंट तरीके हो सकते हैं फिक्शन के, नॉन फिक्शन के। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, मैं आपसे चंद प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, मैं आपको उनकी टाइमलाइन दिखाऊंगा, आपको उनसे बेहतर अंदाज़ा होगा किस तरीके से आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हैं, फिर उनको फर्दर कंप्लीट करते हैं। आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि हमारी एडिटिंग की अप्रोच हमारे वर्क फ्लो के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है, इस वक्त मेरे पास एक टाइमलाइन पड़ी है जो कि एक फिक्शन फिल्म की है बेसिकली मेरे पास, जो कि 1 घंटा 2 मिनट इसकी ड्यूरेशन थी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 1 घंटा 2 मिनट की फिल्म के लिए मेरे पास बेतहाशा उसका रॉ फुटेज हो सकता है, उसकी बैक एंड पे प्रोडक्शन फेज में जब गुजरे हैं तो बहुत सारा फुटेज था जो कि स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज होता गया। कई दफ़ा ऐसा भी होता है प्रोडक्शन आपकी लंबी होती है तो मे बी आप बीच में से ही स्टार्ट कर देते हैं, जितना आपके पास सीन रिकॉर्ड हो गए हैं आप उसको एडिट करना शुरू कर देते हैं, और बाकी फर्दर आप साथ साथ जब जैसी जैसी प्रोडक्शन होती रहती है आप उसको अपने पास एडिट कर लेते हैं। तो अब ये एक फिल्म थी मेरे पास, 1 घंटा इसकी फाइनल आउटपुट निकलनी थी, इसको डिफरेंट फोल्डर्स में सीन बाय सीन कॉपी किया गया, उसके बाद फिर इसके डिफरेंट सीक्वेंस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओपनिंग मोन्टाज का अलग है, इसी तरह से मेरे पास आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से हैं, कुछ पीछे पड़ी हैं, कुछ आगे पड़ी हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का काम था जो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोर्सेज से आपको फुटेज गैदर करके एक साथ कंपाइल करनी थी, उसके बाद डिफरेंट सीन बाय सीन बेसिकली यहाँ पर सीक्वेंस मेरे पास पड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ जो मेन हमारी टाइमलाइन है वो फाइनल सीक्वेंस के नाम से सेफ है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अगर हमने डिफरेंट सीक्वेंस बनाए पहले, तो वो सीन बाय सीन अप्रोच को लेके हम चले, और सीन बाय सीन छोटे छोटे सीन्स एडिट करने के बाद उनको फाइनली अपने एक फाइनल सीक्वेंस में एक साथ हम रखते गए, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिवेलप होता गया। सीन्स को एडिट करने के बाद सारे सीन्स को कंपाइल किया गया, उसके बाद उनके कनेक्शन स्पीच में देखे कि अगर कहीं पर कोई आपको कनेक्टिव शॉट, कोई आपको बी रोल और चाहिए,
या फिर आपको कोई कट अवे के तौर पे शॉट चाहिए तो वो आपने बीच में प्लेस किया, क्योंकि एक सीन का जब आप एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट का स्टार्ट कर रहे हैं तो आपसे कोई कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि मे बी दोनों क्लोजअप शॉट्स पे हो रहे हों, उस वक्त आपको नहीं पता कि नेक्स्ट सीन किस पे जाएगा क्योंकि आपने उसको स्टार्ट करना ही शुरू नहीं किया। तो इस तरह की जो भी चीज़ें थी वो फिर आपने अपने फाइन एडिटिंग में जाके उसको बेहतर करना शुरू की। आपके पास जब ये स्ट्रक्चर बनता गया, आपने इसको फाइन एडिट किया, एक गो में आपने फिर इसको देखा, फिर हम इसकी और चीज़ों की तरफ आए जिसमें हमारे पास साउंड डिज़ाइन था। इसमें कई जगहों पे आपको दोबारा डबिंग करनी पड़ी और ऑब्वियसली वो हमें तभी पता लगा जब हमने इसको एडिट किया, जब हमने इसका एक ड्राफ्ट बनाया, हम रफ स्टेज से निकले तो कुछ जगह पे ऑडियो प्रोडक्शन में ही ख़राब हो गई थी। हमने बाद में उसको ADR किया, पहले कोशिश की गई उसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर में या फिर प्रीमियर के अंदर रहते हुए ही कुछ बेहतर कर सकें। अब वो नहीं हुई तो फिर हमने ऑडिशन में ट्राई किया, अगर वहाँ भी नहीं हो सकी फिर हमने दोबारा से उसको डब किया, ADR किया। तो ये आपकी अप्रोचेस होती हैं जो कि आपको टाइमली डिसीजन लेने होते हैं और साथ साथ आप इनको इसी तरह से इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। एडिटिंग का कमाल ही यही है कि आप उसको हर स्टेज पे उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और आप डिफरेंट चीज़ें उसमें एड ऑन कर सकते हैं। साउंड पे इसका काम किया गया, आप देख सकते हैं इस वक्त जो नीचे लेयर्स हैं सारी, ये इस वक्त साउंड की लेयर्स हैं। और उसके बाद फिर हम इसकी कलर ग्रेडिंग पे गए, ऊपर एडजस्टमेंट लेयर्स हैं जो कि डिफरेंट कट्स आपको नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह ये है कि डिफरेंट सीन वाइज, डिफरेंट सिचुएशन वाइज उसको ग्रेड को छेड़ा गया। और बाज़ जगहों पे आपने सेम ही यूज़ किए क्योंकि वो एक ही जैसा सीक्वेंस था, एक ही टेम्परेचर में, एक ही एक्सपोजर लेवल में शूट था, तो वहाँ पर आपने उसको यूज़ किया। साउंड के बाद कलर ग्रेड और फिर साउंड की मिक्स एंड मास्टरिंग भी की गई। साउंड का लेवल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से रखा गया, किस चीज़ का लेवल ज़्यादा चाहिए था, किस चीज़ का कम चाहिए था, उस हिसाब से आप इसको आगे प्रोजेक्ट को फाइनल की तरफ लेके गए और फिर हमने इसको फर्दर एक्सपोर्ट किया। अभी ये एक एग्जांपल मैंने आपसे फिक्शन कैटेगरी में एक फिल्म के ऊपर बात की है। अब आप सोच सकते हैं अगर इसकी जगह आपके पास म्यूज़िक वीडियो होती या कोई टीवी कमर्शियल होता या कोई डिजिटल के लिए कमर्शियल होता, इंस्टाग्राम वीडियो होती, फेसबुक की वीडियो होती, कोई वीलॉग होता, कुछ भी होता, या फिर जिस तरह की इंट्रो वीडियोस वगैरह बनती हैं आपके फ्रीलांस में, आपको अक्सर नज़र आता होगा इस तरह के प्रोजेक्ट्स, तो उसका अप्रोच, उसकी अप्रोच आपके लिए डिफरेंट हो सकती है। अगर म्यूजिक वीडियो होती आप इस तरह से शायद ना चलते सीन बाय सीन, क्योंकि उसमें आपके पास परफॉर्मेंस है और मे बी उसके बाद फिर उसका नैरेटिव है। उस परफॉर्मेंस को, उसके डिफरेंट टेक्स को, जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने देखा, हमने उनको सिंक किया और फिर हमने उनके ऊपर नैरेटिव बेस एक स्टोरी बनाई जो कि हमने पहले से ही प्रोडक्शन में शूट की थी और हमारे प्री प्रोडक्शन में उस तरह से प्लान थी। और फिर हम उसकी कलर ग्रेडिंग और बाकी कोई अगर उसमें इफ़ेक्ट्स थे उस तरफ गए। और कमर्शियल में आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा आपको चैलेंज ही ये होता है कि आपके पास एक ड्यूरेशन है जो कि फिक्स है। अगर वो टीवी पे ऑन एयर होना है तो उसको 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, जो भी इसकी ड्यूरेशन है, उसके अंदर रहते हुए ही आपको उस एडिट को फाइनल करना होता है। इसके अलावा कमर्शियल में बहुत ज़्यादा VFX का भी काम होता है, साउंड का भी काम होता है, ग्रेड का भी काम होता है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास फिल्म हो, आपके पास ड्रामा हो, आपके पास कमर्शियल हो, म्यूज़िक वीडियो हो, किसी भी तरह का कोई भी जॉनर का आपके पास काम हो, उसकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। तो ये प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं, किस तरीके से काम शुरू करना है, किस तरीके से उसको लेके चलना है वर्क फ्लो को, और किस तरीके से उसको फाइनल करना है। क्योंकि टूल सीख लेना और उसके बाद बाकी आप जस्ट इफ़ेक्ट्स वगैरह ये चीज़ें सीख लेना, उनसे आपका काम नहीं चलेगा। आपको प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैं अभी आपको ये फिल्म की बात कर रहा था कि जो कि 1 घंटा 2 मिनट इसकी ड्यूरेशन है। थोड़े से मैं आपको स्पेसिफिक इसमें से कुछ चंक्स भी शेयर करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जस्ट उनको एडिट इस तरह से नहीं किया गया कि बस आपने शॉर्ट्स को पकड़ के ज्वाइन कर दिया या फिर आपने उनको असेंबल कर दिया। पूरा आपको लिंक बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, कलर ग्रेड और जो भी उसकी एम्बियंस है उसके हवाले से। मैं आपको इसका एक सीन दिखाता हूँ शुरू का थोड़ा सा, और मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि जिस तरह के शुरू में एक इसके ये मोन्टाज था। हम क्विकली इसको स्क्रॉल कर लेते हैं आगे, और मोन्टाज के बाद हमारा जो एक्चुअल फिल्म शुरू यहाँ से हो जाती है। मुसलमान भाइयों और हमवतनों,
आज के इस दौर में हमारा मुकाबला वक्त के फिरौन के साथ है। मैं अभी आपको अगर बिल्कुल थोड़ा सा वही बताऊं कि आप देखें कि इसमें एक एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ आपको सुनाई दी है, वो आपके पास यहीं से इन होना शुरू हो गई थी। शुरू में उसका लेवल ज़्यादा था और उसके बाद आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया ताकि आप अपने डायलॉग की तरफ आ सकें। अगर मैं आपको इसको दिखा सकूँ, आप देख रहे हैं कि ये इसका लेवल था और जहाँ डायलॉग आने लगा आपने उसको यहाँ पर कम किया और आप उसको एक स्टैटिक लेवल पर ले गए और आगे भी फर्दर आप उसको चेंज करते रहे। और इसी के साथ साथ इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ये डायलॉग इन हो गया, वो माइक में बोल रहे हैं, असल में उस तरह से आवाज़ नहीं थी। इस पर भी इफ़ेक्ट लगाए गए जिसमें आप देख सकते हैं डिले और बाकी रिवर्ब भी लगाई गई जिसकी वजह से इसका आपको इस तरह से सुनाई दे रही है। फर्दर ये डायलॉग आगे चलते जाएंगे, आगे मज़ीद चीज़ें ऐड होती जाएंगी। आप नोट कीजिएगा कि जैसे जैसे यहाँ पर आपका ये CTI मूव हो रहा है, आपको नए साउंड के एलिमेंट यहाँ पर नए कट्स आ रहे हैं। इस वक्त क्योंकि ये फाइल जो है जो सोर्स फाइल है ये ऑफलाइन है, लेकिन इस वक्त जो फाइनल फाइल ऊपर है वहाँ से प्ले हो रहा है, लेकिन जब जिस स्टेज में ये एडिट की गई थी तो बिल्कुल ये कट्स इसी तरह से ही वहाँ पर लगाए गए थे और अभी भी इसी फॉर्म में आप उसको देख रहे हैं। हमारा मुकाबला वक्त के फिरौन के साथ है, जो नहीं चाहते कि हम उनके साथ मुकाबले में खड़े हों, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी गाड़ी इन हुई है, गाड़ी के इन होने का साउंड इन हुआ है, साथ में वो जो बॉल थी उसका जो स्नूकर खेल रहे हैं उसकी साउंड लगाई गई है। जिस दिन हम उनके साथ मुकाबले में खड़े हुए हम उनके मोहल्लों, और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर स्पीच कर रहे हैं इसके ऊपर ये बाकी शॉट्स जो कि नेक्स्ट शॉट आता है तो ये आपके पास नेक्स्ट शॉट आ रहा है। इसी तरह से ये और इसका जो दूसरा शॉट टाइप आया, कुछ और चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, ऊपर और बी रोल लगा हुआ है तो वो साथ साथ आपको टाइमलाइन पे हम उनके मोहल्लों इस फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन मेरे भाइयों वक्त आ गया है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कट हो रहे हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जगहों से सीन जो कंपाइल किए गए थे, डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स हैं। अब आप देखें ये शॉट अलग से लिया हुआ है, ये अलग से लिया हुआ है, लेकिन वो इस तरह से रीअरेंज किए गए हैं कि वो एक सीक्वेंस बनता चला गया। फर्दर मैं आपको कुछ और भी इसमें चीज़ें दिखाता हूँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें भी साउंड पे भी काम हुआ हुआ है और डिफरेंट इसमें भी शॉट्स इस तरीके से कंपाइल हैं। आपको डिफरेंट कट्स भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट साउंड्स इस तरह से इन हो रही हैं, क्राउड की है, अगर सांस फूलने की आवाज़ है, भागने की आवाज़ है, तो वो सारी आपके पास अलग अलग लेयर्स में चल रही है। तो इस तरह से आप अपने सीन्स को एडिट करते हैं और फिर उनको नेक्स्ट सीन के साथ ज्वाइन करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल मुझे लगता है मुझे आपको यहाँ पर ज़रूर देनी चाहिए, जिस तरह के ये एक नाइट का मेरे पास सीन था, ऑब्वियसली इसका ग्रेड भी बिल्कुल चेंज किया गया। तो एक और मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से फिर ये ट्रांजिशन हुई है डे वाले शॉट से उसमें। लें शमाइल बीबी, ये काक लें। तो आपने साउंड में तो नोट किया ही होगा कि आपके पास ये फायर के चलने की आवाज़ है, ये एक ट्रैक चल रहा है, दूसरे में आपके पास वो जो नाइट की आवाज़ होती है, क्रिकेट की जो आवाज़ होती है वो है। और जिस तरह से ये कट चेंज हो रहे हैं, इस तरह अगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसमें ये मूव होना शुरू हुए और उसके बाद फिर लॉन्ग शॉट में चले गए, तो आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से पड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यही सीन्स पहले आपके पास डिफरेंट सीक्वेंस में एडिट हुए और उसके बाद फिर यहाँ पर फाइनल टाइमलाइन में कंपाइल हुए और उनको आपस में इस तरह से फिर उनके बीच में ट्रांजिशंस बीच में इस तरह से लिंक किया गया कि आपको पूरी फिल्म एक वन गो में स्मूथ नज़र आए। तो आपके पास फिक्शन में ये मार्जिन होता है कि आप इनको सीन को शॉट्स को इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं कि लिटरली उनका मीनिंग उनका स्टोरी टेलिंग बिल्कुल बदल सकती है। फिक्शन नॉन फिक्शन
मेरे ख्याल से डिफरेंस भी आपको बड़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। ये फिक्शन थी, ये स्टेज की भी चीज़ें हैं प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के साथ, इनसे एक्ट कराया गया, प्रॉपर एक्टर्स थे, और बार बार एक चीज़ को कराया गया जब तक वो सही नहीं हो गई या फिर आप उसको मैच कट के हिसाब से शूट ना कर सके। इसके ऑपोजिट अगर आप नॉन फिक्शन की बात करें तो उसमें आपको उसी तरह शूट करना है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट करना है, आपको जो रियलिटी है उस तरह से शूट करना है, किसी का इंटरव्यू करना है, साथ में उनका बी रोल करना है, तो आप उनसे एक तरह से स्टेज इतना ही करा सकते हैं कि वो किस तरीके से कोई काम करते हैं या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं। आप उनसे बहुत ज़्यादा, जिस तरह फिक्शन में होता है कि प्रॉपर एक स्टोरी बनी भी, और उस तरह से आप उनसे नहीं चीज़ें करवा सकते। मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हुआ होगा, ख़ासतौर पर इस टाइमलाइन को देखते हुए, कि आपके पास जब चीज़ें एक साथ कंपाइल होनी शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी इस वक्त इनपुट, आपकी एडिटिंग एस्थेटिक्स, आपकी स्किल्स काफ़ी रिक्वायर होती हैं, और वहाँ पर आप अपने सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं उनको आप सब एक साथ इकट्ठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम थोड़ी सी नॉन फिक्शन के बारे में भी बात करेंगे।